अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे हैदराबादी माही खलिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम लेंगे एक पैन और इसमें ड्राई रोस्ट करेंगे खोपरा, आधा कप खोपरा। इसे हमें भूनना है जब तक इसके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स अपीयर नहीं हो जाते। खोपरा भून चुका है, इसे हम निकाल लेंगे और अब इसमें भूनेंगे आधा कप मूंगफली। जब फली के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आना स्टार्ट हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। और अब हम भूनेंगे आधा कप तिल। तिल को ज़्यादा देर नहीं भूनना है, सिर्फ एक से दो मिनट तक मीडियम फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। जब ये स्प्लटर होना स्टार्ट हो जाए तो इसे निकाल लेंगे। और अब हम भूनेंगे एक टेबलस्पून साबित धनिया और हाफ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरा कम ही होना चाहिए क्वांटिटी में, इसे हम सिर्फ एक मिनट तक भूनेंगे। और इसे अब निकाल लेंगे। इस पैन में हम ऐड करेंगे एक टेबलस्पून तेल और इसमें शैलो फ्राई करेंगे दो प्याज स्लाइस करी हुई। प्याज को हम गोल्डन कलर आने तक शैलो फ्राई करेंगे। अब ये प्याज फ्राई हो चुकी है, ये हमने सारे मसाले भून लिए हैं। हमें फली का छिलका अलग करना है और सारे मसालों में थोड़ा सा पानी ऐड करके बारीक पेस्ट पीस लेना है। और अब लेंगे एक बड़ा सा वेसल और इसमें ऐड करेंगे आधा कप तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है और अब इसमें डालेंगे एक टीस्पून साबित ज़ीरा और हाफ टी स्पून राई और साथ ही डालेंगे 8 से 10 करी पत्ता। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे हम सॉटे कर लेंगे। और अब ऐड कर देंगे 400 ग्राम मटन बोन्स के साथ और इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। और ऐड करेंगे नमक टेस्ट के मुताबिक, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और मसालों को मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे पिसे हुए मसाले खोपरा, तिल और फली का पेस्ट। धनिया और ज़ीरा का पाउडर मैंने अलग से पीस लिया था, आप सब कुछ एक साथ भी पीस सकते हैं। और इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। और यहाँ मैंने मुट्ठी भर इमली को 10 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दिया था। इसका हम खट्टा निकाल लेंगे और सालन में ऐड करेंगे। खट्टे को मिक्स कर देना है और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 गिलास पानी। मटन को अच्छे से गलाना है और मसाले को भी पकाना है हमें, इसलिए इतना पानी ज़रूरी है। और इसमें डालेंगे मुट्ठी भर कोथमीर और 3 हरी मिर्च। इस पॉइंट पे आप चख के देख सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। और इसे हम कवर कर देंगे और 20 मिनट तक मीडियम लो फ्लेम पर पकने देंगे ताकि मटन अच्छे से गल जाए और मसाला भी पक जाए। 20 मिनट बाद हम इसे चेक करते हैं
तेल अच्छे से सेपरेट हो चुका है और हमारा माही खलिया एकदम रेडी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आप इस सालन को सर्व कर सकते हैं खाने या फिर रोटी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।